चलो बेटा बात करते हैं केमिकल इवोल्यूशन की। केमिकल इवोल्यूशन जो होगा बेटा वो कैसा होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से? नॉन लिविंग से, लिविंग से नहीं। इनिशियली केमिकल इवोल्यूशन जो होता है इनिशियली कैसा होता है, नॉन लिविंग टू लिविंग देन लिविंग टू लिविंग। तो बेटा बात करते हैं हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता है कि इनिशियली क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, इनिशियली नॉन लिविंग टू ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनिशियली मतलब पहली बार, इनिशियली को क्या लिख सकते हैं, फर्स्टली, फर्स्टली नॉन लिविंग से नॉन लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि एक बार लिविंग बन गया, क्या हुआ, एक बार यदि लिविंग बन गया तो अब नॉन लिविंग से नहीं होगा, अब किससे होगा, देन लिविंग टू लिविंग। इतनी चीजें समझ में आ गई। इसको दिया किसने था, ओपेरिन एंड हेल्डन ने। तो केमिकल एवोल्यूशन भाई ओपेरिन एंड हेल्डन, ठीक है, ओपेरिन और हेल्डन ने दिया था। ओपेरिन कहां के थे, रसिया के, कहां के हैं, रसिया के हैं, बायोकेमिस्ट। और हेल्डन कहां के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट थे और ये केमिस्ट थे, हेल्डन और ओपेरिन साहब। हेल्डन साहब बाद में आकर के इंडिया के भुवनेश्वर में सेटल्ड हो गए। इन्होंने क्या कहा, इनिशियली अर्थ कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, इनिशियली अर्थ इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, मींस नो ऑक्सीजन इज फ्री फॉर्म। और क्या था बेटा, एटमॉस्फेयर में क्या था, गैसियस क्लाउड था, एटमॉस्फेयर इज अ गैसियस क्लाउड। और इसमें मेनली कौन कौन सी गैसेस थी, इसमें थी मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये स्टार्ट की मेन गैसेस थी। क्या वाटर नहीं था, था। टेम्परेचर कैसा था बेटा, टेम्परेचर वेरी हाई, कितना है बेटा, 800 से 1000 डिग्री, इतना उन्होंने सोचा था कि इसी के आसपास है। और क्या था बेटा, यूवी रेज और थंडर बहुत ज्यादा था, क्लियर है। और कुछ बताया था उन्होंने, बस इतना बताया, आगे कुछ बता ही नहीं पाए। एक्सपेरिमेंट इसका किया 1953 में, 1953 में एक बहुत बड़ा काम और हुआ था, वाटसन एंड किंग ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और उसी समय बेटा केमिकल इवोल्यूशन का जो है एक्सपेरिमेंटल करते हैं, ये इन्होंने थ्योरेटिकली बताया था। ओपेरिन एंड हेल्डन कैसे बताए थे, जब एक्सपेरिमेंटल इसको प्रूव करेंगे एसएल मिलर, तब ये बताएंगे, फिर क्या बताएंगे कि कैसे हुआ होगा।
तो बेटा एसएल मिलर, अब बहुत ध्यान से सुनना, बल्कि पेन मत चलाना, थोड़ा समझ लेना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यदि पहले पार्ट से आया था। एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तुरंत तुरंत, इतना लेट सो जाते हैं लोग। इसको कहते हैं सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। इन्हीं के आधार पर अभी ओपेरिन और हाल्डन बहुत ज्यादा थ्योरी देंगे, लेकिन इतना देखे चुप हो गए क्योंकि आगे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किस ईयर में किया था, ईयर याद रखिएगा 1953। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया क्या, कबूला अच्छा ठीक है, इन्होंने गैसेस लिया। कौन से गैसेस लिए बेटा, H2, NH3 और मीथेन। रेशियो पूछा जाता है इसका 2:1:2, याद रहेगा। एक बार उसने दे दिया था H2CH4 और अमोनिया, तो क्या आ जाएगा 2:2:1, क्लियर है। इसके बाद और क्या लिया इन्होंने, और इन्होंने लिया वाटर, और क्या लिया, वाटर को वेपर में बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इन्होंने लगाया इलेक्ट्रोड। स्पार्क कराया, इलेक्ट्रोड लगा के क्या कराया, स्पार्किंग कराया, स्पार्क डिस्चार्जेस कराए, ठीक है। इससे टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, टेम्परेचर जो इन्होंने मेंटेन किया वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये एक्सपेरिमेंट में बनाऊंगा नहीं, आपकी बुक में दिखा दूंगा फिगर, ठीक है। अब इन्होंने देखा आफ्टर 18 डेज, एक्सपेरिमेंट जब जितने दिन से शुरू किया उसके 18वें दिन, आफ्टर 18 डेज गैसेस, टेम्परेचर, वाटर, ये मिल करके बनाती हैं सिंपल अमाइनो एसिड, प्रोटीन बन गया। बोलो अमीनो एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। तो इन्होंने क्या देखा कि क्या बना इससे, सिंपल अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड का एक बार नाम पूछा है नीट वालों ने, तो क्या होगा बेटा सिंपल में, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कितने लोग बना पाते हैं, कोई नहीं, महान हो। अबे बनता ही क्या है, NH2 सबसे सिंपल है, C और क्या लगेगा, H COH, और ये R ग्रुप की जगह क्या लगा दोगे, H, ठीक है। ये ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड 11th में पढ़ा होगा बेटा, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ग्लाइसिन बनता है, एलेनिन बनता है और एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। अब जो भी अमीनो एसिड का तुम कहोगे मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड का बना दूं, अरे यार एस्पार्टिक एसिड NH2CH COOH CH2COOH, दो एसिड ग्रुप है इसलिए एसिडिक, ठीक है। ये ग्लाइसिन है, अब सारे में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा बेटा, ये एस्पार्टिक एसिड, ये 11th का पार्ट है। उन्होंने देखा ये मिला, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये पॉसिबल था, और भी गैसेस होंगी और अमीनो एसिड बन सकते हैं, और इसमें जो है क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। अभी इन्होंने ये थ्योरी दिया ही था कि मिलर ने उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि हाँ ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग से क्या बना, ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये नॉन लिविंग एग्रीगेट करके लिविंग बना सकता है। अब इतना छापो फिर बताएं कि अब ओपेनियन और हार्डन ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया होगा।
अब कुछ चलो अच्छा पहले ये बना लो। फटाफट नोट करो बेटा, कम से कम आज ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन के लाइफ फॉर्म्स फिर स्टार्ट करें। पहले पढ़ाएंगे एविडेंस, इसके बाद पढ़ाएंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पहले एविडेंस थ्योरी क्या थी। जल्दी हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। आज कौन सी तारीख है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 25, 26 में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये इसी मंथ में अगला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, मतलब ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। अगला यूनिट क्या है बेटा? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये सब चैप्टर अब उतने टाइम बेटा नहीं लगेंगे, जो लगना था मैक्सिमम टाइम वो आपका दो ही चैप्टर था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वाटर नॉर्मल हो जाएगा कि इतने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। उसको कूल करके वैक्यूम पंप लगा के कूल करके किसी तरीके से कंडेंसर लगा के फिर वाटर अंदर डालते रहेंगे। ठीक है, नहीं तो वाटर बाकी भाप तो बनते ही रहेगा। अब एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, जो मिलर का एक्सपेरिमेंट का फिगर देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या लिया है बेटा? अमोनिया लिया है और क्या लिया है? मीथेन लिया है, वाटर लिया है, हाइड्रोजन लिया है, गैसेस लिया है। स्पार्क डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड लगाया है करने के लिए, वाटर आउट और वाटर इन के लिए क्या लगाया है? इन और आउट करने के लिए कंडेंसर लगाया है। दिख रहा है आपको? वाटर ड्रॉपलेट आते हैं, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नीचे क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब गैस है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो नीचे इकट्ठा होते जाएंगे क्योंकि उनमें वेट होगा। ठीक है, वापस फिर वैक्यूम पंप से उसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोड पे करेंगे स्पार्किंग डिस्चार्जिंग। अब यहां से कुछ साइंटिस्टों ने, ये बेटा छप गया, कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने अदर सेम एक्सपेरिमेंट किया, कुछ अदर मटेरियल लिया। कुछ अदर गैसेस लिया और सेम किया तो उनको, जैसे उन्होंने कहा कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व, मतलब दूसरे साइंटिस्टों ने भी क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट किया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट, अदर्स, अदर ने क्या किया? सिमिलर किया। तुमने ऑब्जर्व किया कि बेटा यहां पे क्या मिला, रिजल्ट में क्या मिला? शुगर, नाइट्रोजिनस बेसेस, और इसी को क्या किया, मेटेरॉइड्स कहे कि अब हमें मटेरियल टाइप का मिलने लगा। तो ये क्या मिल गए हमें? मेटेरॉइड्स। ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बेटा कि मेटेरियोराइट, ठीक है, मतलब मटेरियल, जो मटेरियल हमें चाहिए था
ये मिला। मेटेरॉइड्स के अंदर मतलब क्या मिला बेटा हमें? अमीनो एसिड। मेटेरॉइड है ना, मटेरियल रॉइड वही होता है। एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड कंटेंट आल्सो रिलेटेड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटेड इन द प्रोसेस अकरिंग अदर एलेस वेर इन स्पेस। तो मतलब जो स्पेस पे हम कर रहे हैं सेम, उसमें भी हमें क्या मिल रहा है? सेम, वही तो कह रहा हूँ, इसमें भी यही कंपाउंड दूसरे ने किया तो रिजल्ट में क्या मिला ये? यदि हम इसी मटेरॉइड का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अदर देन अपने स्पेस के, तो अपने स्पेस के बाहर यदि कर रहे हैं तो भी उन्हें क्या मिल रहा है? सेम चीज मिल रही है, अमीनो एसिड शुगर बेसिस। अभी तक यहां तक कोई भी बात ओपरेनर हाल्डेन ने नहीं कहा। अब ओपरेनर हाल्डेन को जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला तो ओपरेनर हाल्डेन ने अपना क्या दिया? थ्योरी देना शुरू किया। अभी तो हाइपोथेसिस था, अभी दे रहे थे, अब इन्होंने ओपरिन एंड हाल्डेन के हाल्डेन थ्योरीज एक्सप्लेनेशन आया। क्या एक्सप्लेनेशन आया बेटा, आप ध्यान से देखना। तो इनके एक्सप्लेनेशन में सबसे बड़ा रोल किसका था? मिलर का था। किसका बहुत बड़ा रोल था बेटा? मिलर का। यदि मिलर ने प्रूफ एक्सपेरिमेंटल नहीं किया होता तो इनकी थ्योरी हाइपोथेसिस ही रहती। अब इन्होंने पहले क्या कहा था, वही बात कही कि स्टार्टिंग अर्थ इज रिड्यूसिंग, अर्थ क्या हुआ? रिड्यूसिंग नेचर का है। अब अर्थ रिड्यूसिंग है इसका मतलब बेटा यहां पे गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं? मेनली अमोनिया, H2 एंड मीथेन। H2O भी है लेकिन किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में। टुडे अर्थ इज ऑक्सीडाइजिंग, ये याद रखना है, पूछा जाता है। टुडेज अर्थ इज ऑक्सीडाइजिंग, आज का जो अर्थ है वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो इन्होंने कहा कि यहां से क्या आ रही है? यूवी रेज। यहां से क्या आ रही है? यूवी रेज। और क्या आ रही है? स्ट्रोम, थंडर। और अर्थ का टेम्परेचर क्या है? वेरी हाई। जो वाटर है ऊपर वेपर बन के गया, दोबारा फिर कूल होकर के ऊपर से आया वाटर, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई है कि वापस वेपर बन जा रहा है। लेकिन बार बार ऐसे होने से तो अर्थ देन क्या हुआ होगा बेटा? कूल। अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ होगा धीरे धीरे? कूल, ड्यू टू रेन। अच्छा, जब पानी मिला और अमीनो एसिड मिले ही होंगे तो क्या इसमें शुगर्स ये सब सारी चीजें बन गई होंगी? ठीक, तो हाल्डेन ने कहा इस सी को ये क्या है? पानी भरा तो सी हो गया ना, इस सी वाटर को कहा हॉट डाइल्यूट सूप। किसने कहा बेटा इस ये बात? हाल्डेन ने कहा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो इसमें यदि अलग अलग चीजें हैं, अमीनो एसिड है, शुगर्स हैं, तो क्या ये एग्रीगेट होंगे? मिलेंगे। ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोटोबायोंट। पहली बार जो लाइफ बनने की प्रोसेस हुई वो प्रोटोबायंट से हुई। और ये कितने मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुई? 4 बिलियन
ईयर, एगो। याद करिए अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर एगो और लाइफ की ओरिजिन 4 बिलियन। तो लाइफ अभी बनी नहीं है लेकिन लाइफ बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है बेटा। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पे क्या था, प्रोटोबायोंट जो बने थे वो पहली बार कहाँ बने थे, तो लाइफ फर्स्टली ओरिजिनेट इन वाटर। तो एक बात आती है कि लाइफ फर्स्टली ओरिजिनेट इन वाटर। अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी है, डार्विन ने, और ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी है, ओपेरिन ने। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ ये किसने लिखा, ये बुक भाई, ओपेरिन। इतना क्लियर हो गया। अब इन प्रोटोबायंट को जब देखा तो ये कुछ ऐसे दिख रहे थे, कुछ बन रहे थे मॉलिक्यूल और कुछ बन के बराबर क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। तो जो प्रोटोबायंट था या फिर कह सकते हैं हम ये मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल थे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी प्रोटोबायंट नहीं। अच्छा सिडनी फॉक्स वहीं आ गए। सिडनी फॉक्स ने कहा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उसको इन्होंने दो पार्ट में बांटा। किस पार्ट में बांटा, एक बांटा कोसर वेट, कोसर वेट बड़े थे बेटा। बुक में थोड़ा सा है नहीं लेकिन क्वेश्चन इसका बनता है। जो कोसर वेट थे बेटा ये अनस्टेबल थे और अनस्टेबल होने के साथ साथ इनके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल या फिर सेल फॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्मेशन नहीं दिख रहे थे, थोड़े लिपिड विपिड दिख रहे थे। इनके अंदर नो जेनेटिक मटेरियल दिखा, और वेरी अनस्टेबल दिखे। दूसरे जो थे वो थे माइक्रोस्फीयर्स, जो माइक्रोस्फीयर्स थे कैसे थे बेटा, थोड़े कैसे थे, स्टेबल। इनके अंदर क्या दिखा, इनको सेलुलर सेलुलरिटी दिखी कि सेल बन सकता है, सी इन सेलुलरिटी इनसाइड किसके अंदर, माइक्रोस्फीयर्स। तो इन्होंने कहा माइक्रोस्फीयर्स ही क्या बनाए होंगे, प्रोटोबायोंट, क्योंकि प्रोटोबायोंट के अंदर सेलुलरिटी है जबकि ऊपर जो बेटा अनस्टेबल है, नॉट कैरेक्टर ऑफ सेलुलरिटी। तो इसका मतलब ये प्रोटोबायोंट जो बने होंगे वो माइक्रोस्फीयर से बने होंगे या कोसर वेट से, माइक्रोस्फीयर से। इससे इन्होंने माना कि बने प्रोटोबायोंट। इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं कहानी इसकी। प्रोटीन कैटेलिटिक वर्क करती है, हाँ, आल प्रोटीन आर आल एंजाइम आर प्रोटीन, पढ़े हो। तो प्रोटोबायोंट जो थे वो प्रोटीनिशियस लेयर्स रहे होंगे, यही तो रहे होंगे प्रोटोबायोंट, बोलो। अब जो एक्सपेरिमेंट इनका था उसी एक्सपेरिमेंट को सिडनी फॉक्स ने आगे बढ़ाया, और ओपेरिन का भी उसमें क्या था, जैसे मैं काम कर रहा था तुमने कहा कि यार ये ऐसे हो रहा है, तो ओपेरिन ने भी माना कि हाँ ऐसे हो सकता है।
यहाँ से इतनी अच्छी चीज़ें अभी एकदम क्लियर समझ में आएंगी ना, जो आप अभी जो है बीजीए के बारे में पढ़े हो, ब्लूग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़े हो, ये सब चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हो? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्यों कहते हैं? खुद का डीएनए होता है, डीएनए होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, खुद का राइबोसोम होता है 70S, ठीक है। मैथ क्लास नहीं चल रही क्या बेटा? टेस्ट है। हो गया इतना? नोट करो बेटा, ये तुम्हारे समझ में आ गया तो आप बुक पढ़ो ना एकदम आराम से। सारे ईयर्स अभी ये बनने के बाद सारे ईयर्स एक साथ लिख दूंगा। हो गया बेटा, रब करूं? अब इन्होंने कहा ये प्रोटोबायंट बन गया, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड टाइप की स्ट्रक्चर थी, क्या बनाई ये? प्रोटोबायंट। क्या बना बेटा अभी? प्रोटोबायंट। प्रोटोबायंट में क्या है? प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड एग्रीगेट हुए हैं। अब कुछ ऐसा हुआ होगा कि अमीनो एसिड जो है एंजाइम की तरह वर्क करता है, तो इसी में से कुछ वर्क किए होंगे कैटालिसिस का। और आपको पता है कि अमीनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है, NH2 है, COH भी है, सब कुछ है, तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ होगा। और इसके अंदर क्या डेवलप हुआ होगा बेटा? कैटालिसिस तो यही है, RNA का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो किसका डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर बेटा? सबसे पहले RNA का। तो उन्होंने कहा था फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज अ, क्या कहा? RNA। और RNA जब इसके अंदर आ गया तो ये क्या हो गया? ईओबायंट। ईओबायंट का मतलब इसने क्या बना लिया? वायरस। क्या बना? वायरस। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बना होगा बेटा? वायरस। और इसी वायरस में जब ये यूबायंट आया होगा तो इसमें कुछ जो है क्या बनाए होंगे? वायरस। और कुछ में चेंज हुआ होगा, वो वायरस ना बना करके क्या बनाई होगी बेटा? प्रोकैरियोट। इसीलिए कहते हैं नियरली वायरस एंड प्रोकैरियोट्स इन अ से। नियरली प्रोटोबायंट कब बना था बेटा? कब बना था? 4 billion year ago, BYA।
अब कहता है कि नॉन सेलुलर लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो कब हुई है? नॉन सेलुलर लाइफ मतलब यूबायंट, ये हुआ है 3 बिलियन ईयर एगो। अब बोल रहे प्रोकैरियोट्स कब आए हैं? 2 बिलियन ईयर एगो। सारी चीजें याद हो गई होंगी। अर्थ 4.5, 4, 3 ने लिखा और 2। और प्रोकैरियोट फिर वापस इसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ होगा और ये क्या बनाई होगी बेटा? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेलुलर लाइफ है कि नहीं? अब इसी को कहते हैं प्रोकैरियोट मींस फर्स्ट सेलुलर लाइफ। फर्स्ट सेलुलर लाइफ कौन है? प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट से आगे कौन डेवलप हुआ होगा बेटा? यूकैरियोट। और यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ है 1.5 बिलियन ईयर एगो। क्लियर हो गया इतना? एकदम सिंपल बात है यार, एकदम मैं सिंपल बता रहा हूँ जब आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। आपको कभी कोई क्वेश्चन करिएगा देखिएगा, तो सबसे पहले क्या थे एटमॉस्फेयर में? अब देखो इसको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा और ध्यान से, एक मिनट लिखना बंद कर लो बेटा। सबसे पहले क्या थे? एटम्स थे, फ्री। एटमॉस्फेयर की बात करें फर्स्टली क्या थे बेटा? फ्री एटम। फ्री एटम से क्या बना होगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में भी कौन पहले बना होगा? इनऑर्गेनिक। फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा बेटा? ऑर्गेनिक। पहले कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सबसे पहले आया होगा? मानते हैं सबसे पहले आया होगा अमोनिया और वाटर। फिर क्या बना होगा बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे पहले कौन आया होगा? हम क्या मानते हैं बेटा? ये मीथेन। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके क्या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए होंगे? अमीनो एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, सुगर्स, ये क्या बनाए होंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा बेटा? प्रोटोबायोंट एंड यू बाय प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट से यू बायोंट, प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट से यू बायोंट, यू बायोंट से दो शाखा गई बेटा। एक क्या बनाई? प्रोकैरियोट्स। वायरस से प्रोकैरियोट नहीं बना है, दोनों का डीएनए बिल्कुल अलग है। और क्या बना होगा इससे बेटा? वायरस। वायरस के आगे लिंक ही नहीं मिला, ठीक है। फिर ये क्या बना होगा? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, ठीक है। नोट करो इतना। इसके बाद इनके एवोल्यूशन में क्या प्रोसेस हुई होगी उसको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि समझ में आ गया तो एविडेंसेस तो बड़े आराम समझ में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यदि यहां से आता है ना तो इस इतिहास से गलत होता है। पहले खाना खाने वाले आए, खाना बनाने वाले मतलब प्लांट पहले आया है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको अभी, जैसे आप पूछोगे फर्स्ट जो आए होंगे प्रोकैरियोट वो कीमो ऑटोट्रॉफ आए होंगे या कीमो हेटरोट्रॉफ आए होंगे? चलो फटाफट नोट करो फिर बताते हैं।
पूछा जाता है पहले बैक्टीरिया आई होगी बेटा या पहले साइनोबैक्टीरिया आए होंगे। बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप है और साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप है। हेट्रो भी हैं लेकिन साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऑटोट्रॉप भी हैं। कौन पहले आई होगी? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी बताऊंगा एकदम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा बेटा, ऐसे नहीं बता दूंगा कि याद कर लो। रब करूं बेटा इसको। अब ओरिजिन ऑफ सेलुलर लाइफ की बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, गलती इतना ज़्यादा होगी ना आप सोच भी नहीं सकते हैं और गलती हो जाएगी। क्या बता रहा था? ओरिजिन ऑफ सेलुलर लाइफ। सेलुलर लाइफ में किसका हुआ है ओरिजिन बेटा? पहले प्रो कैरियोट्स का। कितने टाइम पहले हुआ है बेटा? 2 बिलियन ईयर एगो। इतनी चीज तो याद हो गई होगी ना। अब देखो फर्स्ट प्रो कैरियोट ये कहां ओरिजिनेट हुए होंगे? समुद्र में। और समुद्र में उस समय न्यूट्रिएंट की कमी थी या बहुत अधिकता थी? बहुत ज्यादा था। समुद्र को क्या कहा गया उस समय? हॉट डाइल्यूट सूप। उसके पास भोजन ही भोजन है। तो फर्स्ट प्रोकैरियोट कौन से आए बेटा? हेटरोट्रॉप्स। वो अपना फर्मेंटेशन खूब हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, डायरेक्टली एनर्जी ले रहे हैं। तो फर्स्ट कौन आया बेटा? हेटरोट्रॉप्स। थोड़ी सी एनर्जी की कमी हुई तो हेटरोट्रॉप्स चेंज हुए कीमो हेटरोट्रॉफ में। किसमें चेंज हुए? कीमो हेटरोट्रॉप्स में, या कीमो हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉफ को कभी कभी एक ही मानते हैं, ठीक है। ये कीमो हेटरोट्रॉफ चेंज हुए होंगे, पता लगा कि भोजन की कमी होने लगी तो कुछ केमिकल लिए और लाइट लिए, जैसे सल्फर ले लिए, लाइट ले लिए, H2S बना दिए। तो फिर किसका ओरिजिन हुआ होगा? हाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक कीमो हेटरोट्रॉफ है। अब बेटा थोड़ा सा केमिकल और भोजन कम हुआ तो क्या बने होंगे बेटा? कीमो ऑटो ट्रॉप्स। जो हेटरोट्रॉप्स हैं एक्चुअल में क्या है बेटा? बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। नाम सुना है? कीमो हेटरोट्रॉप में हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा ये चलो सल्फर बैक्टीरिया लिख लो, इतना क्लियर हुआ। फिर आ गया कीमो ऑटोट्रॉप्स, कुछ हाइड्रोजन और जेड टाइप के बैक्टीरिया, ये सब बताई दूं? अच्छा रुको बता देता हूँ, क्योंकि अब एग्जैक्ट नाम लिखवा रहा हूं तो एग्जैक्ट नाम लिखवाई दूं। आयरन सल्फर बैक्टीरिया है। यहां पे क्या क्या? सल्फर नहीं है बेटा, आयरन सल्फर या सल्फर बैक्टीरिया। यहां पे कीटो ऑटोट्रॉप में बेटा कौन हो गया?
हाइड्रोजन या फिर सल्फर बैक्टीरिया, और नहीं एंड। खैर इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं। और कीमो ऑटोट्रॉप से अब पता लगा केमिकल भी खत्म होने लगा, फिर क्या बने होंगे, फोटो ऑटोट्रॉप। अभी प्रोकैरियोट्स ही है ये, क्या बने होंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और फोटो ऑटोट्रॉप से बेटा प्रोकैरियोट चल रहा है अभी, और फोटो ऑटोट्रॉप से यहीं से क्या डेवलप हुए होंगे, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कब आए हैं बेटा, 1.5 बिलियन ईयर एगो। अभी यूकैरियोट कैसे बने होंगे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब देखो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स बने हैं, साइनोबैक्टीरिया बना है, तो वहां पे क्या हुआ होगा बेटा, ऑक्सीजन निकली होगी। अब बीजीए बनने के बाद, इनको बीजीए ही तो कहा जाता है, बीजीए, बीजीए बनने के बाद ऑक्सीजन क्या हुई होगी, फ्री। ये ऑक्सीजन किससे रिएक्शन की होगी, अभी इनऑर्गेनिक में क्या मिला था हमारे पास, हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन रिएक्शन की होगी मीथेन से ऑर्गेनिक में, तो क्या बनाई होगी बेटा, वाटर कंटेंट बढ़ा। यही पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सबसे पहले क्या इवॉल्व हुआ होगा, CO2, क्योंकि उस समय जितना मीथेन का परसेंटेज था वही मीथेन आज के डेट में किस फॉर्म में पाया जा रहा है, CO2। अच्छा और इनऑर्गेनिक में कौन सी थी बेटा, ये क्या बनाई होगी, उसमें क्या यूवी रेस खूब ज्यादा थी, और क्या हुआ होगा बेटा, O2 प्लस O2, यूवी रेज हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ होगा, किसमें बना होगा, ये ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके ट्वेल्थ में कहीं जिक्र ही नहीं है और नीट में खूब पूछा जाता है कि ये कब बना होगा, ये बना होगा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बनने के बाद। कहते हैं ना बेटा फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम बीजीए, पहला ऑक्सीजन किससे इवॉल्व हुआ होगा, ब्लू ग्रेन एल्गा से। अब प्रोकैरियोट से देखो यूकैरियोट कैसे डेवलप हुआ होगा, अभी प्रोकैरियोट्स में कुछ सेल है बेटा हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक हेटरोट्रॉप्स हैं, ये तो दूसरे को डायरेक्ट खाएंगे, ये कौन सी है बेटा प्रोकैरियोटिक, पीके लिख दूं, ठीक, ये भी कौन सी है बेटा प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉप, ये किसी को नहीं पाए होंगी, इनको खाना चाहिए होंगी, इंट्रैक्शन हुआ होगा, इन्होंने कहा होगा भैया मुझे खाओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एनर्जी बना दूंगा। तो एनर्जी बनाने का काम जब किया होगा तो सेल के अंदर यही क्या डेवलप किया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ऑर्गेनेल या सॉरी सेल विद इन सेल, इसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप की हेटरोट्रॉप्स रही होगी, वो एक नहीं बेटा दो दो सेल को खाने का काम करना चाह रही होगी कि यार हम एनर्जी तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तब ने एनर्जी बनाओगे, जब तुम्हारे अंदर सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ पाएगा, ग्लूकोज पाएगा, तब ने एनर्जी देगा। तो ये कहेगा भैया मैं ग्लूकोज भी बनाने का काम कर दूंगी। तो दूसरी सेल किस फॉर्म में, ये कौन सा सेल बना होगा बेटा, एनिमल सेल, ये पूछा नहीं जाएगा,
ये केवल नीट वीट में थोड़ा डिटेल में आ सकता है, और इतना वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। अब जब दो सेल अंदर चली गई होगी तो एक तो पहले से ही क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी क्या बना ली, प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। अब ये कौन सी सेल बन गई बेटा, प्लांट सेल। और ये क्या हो गया, क्या दोनों यूके हैं, यूके यानी यूकैरियोटिक। तो इतनी चीज समझ में आ गई, प्रोकैरियोटिक का डेवलपमेंट, प्रोकैरियोट कैसे डेवलप की होगी, पहले कौन सी प्रोकैरियोट आई होगी, हेटरोट्रॉफ, फिर कीमोहेटरोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉफ, फोटोऑटोट्रॉफ, यूकैरियोट। यूकैरियोट का डेवलपमेंट किससे हुआ होगा बेटा, प्रोकैरियोट से हुआ होगा। क्लियर है, ठीक समझ में आ गया इतना, छाप लो बेटा लेट हो गया, बाकी मंडे को इसको एक्सप्लेन करके आगे एविडेंस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।